हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो है फाइनली जेई मेंस का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, पेपर समाप्त हो चुका है। कैंडिडेट्स जो है, जेई एस्पायरेंट्स जो है, एग्ज़ाम दे करके बाहर आने शुरू हो गए हैं। चलिए हम कैंडिडेट से बातें करते हैं जो बाहर आ रहे हैं कि उनका पेपर कैसा रहा, किस तरीके के सवाल आज के पेपर में पूछे गए। कैसा रहा मैम? और फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कैसा रहा पेपर? एवरेज। एवरेज मैथ्स कैसा पूछा गया? मैथ्स फाइन, दो 11 12 से कंबाइन था। सेक्शन में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा आपको? डिफिकल्ट? हां, ऑलमोस्ट फिजिक्स मेरे लिए डिफिकल्ट था बस। ओके, थैंक यू, गुड लक। कैसे रहा ब्रदर? बहुत बढ़िया रहा। हाउ मच अटेम्प्ट? 44। कैसे रहा ब्रदर? अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट रहे? 40। मैथ्स में क्या अटेम्प्ट रहा? मैथ में 15। सबसे इजी क्या लगा आज के पेपर में? इजी तो सब सवाल था, लेकिन थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा कमी हो गई। और फिजिक्स कैसा रहा? फिजिक्स सब मॉडरेट था। क्या पूछे जा रहे थे फिजिक्स में? फिजिक्स में ज़्यादातर मैग्नेटिज्म का सवाल था। अच्छा, जेई का हमेशा से ऐसा ट्रेंड रहा है कि कोई ऐसा सेक्शन होता है जो में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, इस बार कुछ वैसा देखने को मिला? आप प्रीवियस देखे होंगे ना, प्रीवियस ईयर्स वगैरह देखे होंगे सवाल, उससे कुछ सिमिलर ट्रेंड था या कुछ बदलाव दिख रहा है? सिमिलर ट्रेंड। ओके, थैंक यू, गुड लक। कैसा रहा ब्रदर? बहुत अच्छा। कितना अटेम्प्ट? 45। कैसा रहा ब्रदर? इजी था। कितने अटेम्प्ट रहे? 35 समथिंग। हां, केमिस्ट्री कैसा रहा? मॉडरेट था तीनों। ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा कैसा? मॉडरेट था। ओके, कैसा रहा मैम? अच्छा था। कितने अटेम्प्ट रहे आपके? मेरे 80+ अटेम्प्ट थे। कितने? 80+। मैथ्स में क्या रहा? मैथ्स तो डिफिकल्ट रहा। आपने अटेम्प्ट बहुत अच्छा करा है, तो सबसे मतलब डिफिकल्ट कौन सा पार्ट लगा? मेरे को मैथ्स ही लगा। मैथ्स। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मॉडरेट था। तो ट्रेंड सिमिलर फॉलो किया है, फिर कुछ चेंजेस दिखे हैं इस बार? सिमिलर ही फॉलो कर रहा है। हां, कोई चेंजेस नहीं। और फिजिक्स में? फिजिक्स में एक्चुअली ज़्यादा तो न्यूमेरिकल्स मतलब थे, तो वो भी थे और एमसीक्यू भी थे, तो मतलब एमसीक्यू ज़्यादा अटेम्प्ट करे। तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो फैक्ट बेस्ड हैं, मतलब तुरंत बन जा रहा हो? एक्चुअली नहीं, मतलब ऐसा नहीं था बेसिकली, वो लोग थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा उन लोगों ने पूछा था। थैंक यू, गुड लक। क्या अभी जेई एस्पायरेंट्स हो तो अभी आपके एक काम की एक बात बताता हूँ। अगर किसी वजह से आपका सिलेबस अभी अधूरा है और आपका जो बैकलॉग है वो कवर नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, अभी भी देर नहीं हुई है। PW लेकर आया आपके लिए जेई अल्टीमेट क्रैश कोर्स, जिसमें आपको मिलने वाला है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। PW इज सेलिब्रेटिंग 74th रिपब्लिक डे विद PW शिक्षा क्रांति, जिसमें PW दे रहा है डिस्काउंट अप टू 75% ऑन देयर कोर्सेज। तो चलो मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और अपने करियर को अलग दिशा देते हैं। जेई अल्टीमेट कोर्स में आपको लिमिटेड टाइम में सारे क्लासेस कराए जाएंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबके, वो भी एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा। इसकी टाइमिंग होगी मंडे टू सैटरडे और वीक में 6 दिन इसके क्लासेस चलेंगे। डेली लेक्चर्स के PDF नोट्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन आपको हर लेक्चर के बाद मिलेंगे। अब बात कर ले इस बैच की प्राइस की, तो ये बैच मिल रहा है आपको सिर्फ 999 रुपीज़ में। ये ऑफर है 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक, और इस बैच के अंदर ही आपको जो भी शेड्यूल टेस्ट है वो कराए जाएंगे, जो कि आपके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करेगा और ओवरऑल कॉन्फिडेंस को भी आपका बूस्ट करेगा। कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए और इस बैच को अवेल कराने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हो और अपने करियर को अलग दिशा दे सकते हो। ब्रदर, कितने सवाल कितने बनाए? 27। आपका कैसा रहा भाई? अच्छा गया। कितने अटेम्प्ट किए? 25। मैथ्स में कितना? मैथ्स में कम किया, 5 किया। 5। और केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री करीब 12। सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या रहा आपके पेपर में, आज के पेपर में? मेरा सबसे डिफिकल्ट था मैथमेटिक्स। हाँ, और केमिस्ट्री में थोड़ा NCERT पढ़ के जाना चाहिए था, नहीं तो। अच्छा, मॉक लगाए थे? हाँ जी, लगाए। उससे कंपेयर में पेपर कैसा है? उससे थोड़ा मतलब लगभग सेम रहता है। अच्छा, हाँ। तैयारी कहाँ से थी आपकी? PW विद्यापीठ। ओके, गुड लक, थैंक यू सो मच। कैसा रहा ब्रदर? हाँ, क्वेश्चन था लेवल का था, बढ़िया था। फिजिक्स ठीक था, केमिस्ट्री का भी लेवल ठीक था, मैथ्स में हमको थोड़ा टफ लगा। हाँ, थोड़ा सा टफ था। अच्छा, क्या पूछेगा मैथ्स में जो आपको टफ लग रहा था? मैथ्स में बेसिकली 11th का पोर्शन ज़्यादा था। ज़्यादा 11th का पोर्शन है? मैथ्स कितना परसेंटेज होगा? 55-45। अच्छा, और फिजिक्स में? फिजिक्स में तो 12th मेजर था, 55-45 इन फेवर ऑफ 12th। अच्छा, केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में भी 12th ही था। प्रीवियस ईयर कंपेयर में कुछ चेंजेस, कुछ ट्रेंड में बदलाव इस बार? हाँ, प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो इस बार कम, उनको लगता है कि केमिस्ट्री का और मतलब ऑर्गेनिक से ज़्यादा था इस बार। अच्छा, फिजिकल से बहुत कम हो गया था, मतलब अच्छा मिनिमम था। अच्छा, और बाकी वही इजी। गुड अटेम्प्ट कितना हो सकता है इसमें? 150 तक हमको लगता है। 150। ओके, थैंक यू, गुड लक, थैंक यू। कैसा रहा ब्रदर?
अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट रहे? 50। 50। मैथ्स में क्या रहा? मैथ में भी अच्छा रहा। सबसे चैलेंजिंग कोई कौन सा पार्ट लग रहा था? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री, हाँ। रीज़न? वो थोड़ा खुद पे डिपेंड था, पढ़े नहीं थे ठीक से। अच्छा, कहाँ से प्रिपरेशन थी आपकी? दरभंगा से किए थे। दरभंगा से। तैयारी कौन से कोचिंग से किए थे आप? इंडिविजुअल था, अलग अलग जी। गुड अटेम्प्ट आपको क्या लगता है? मैथ का। मैथ, ओके, गुड लक। थैंक यू। कैसा रहा ब्रदर? बहुत अच्छा रहा। कितने अटेम्प्ट रहे? सारा अटेम्प्ट कर दिया। 90? हाँ, 90। मैथ्स में मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ? हुआ, तनी मनी हुआ। क्या क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थी? फॉर्मूला रिमेम्बर नहीं हो पा रहा था। रिकॉल। केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री का तो सब पढ़े हुए थे, बना दिया। कोई कुछ ऐसा सेक्शन में कुछ डिफिकल्टी लगी कुछ ऐसा? नहीं, कुछ मॉक लगा। बहुत इजी था। मॉक लगाए थे? नहीं, मॉक एक भी नहीं लगाए। मॉक एक भी नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर देखे थे आप? हाँ, देखे थे। उससे कंपेयर पेपर कैसा है? इजी है। इजी है। हाँ। कुछ ट्रेंड में बदलाव या सिमिलर है? हाँ। सवाल सिमिलर तरीके से पूछे जा रहे हैं फिर कुछ चेंजेस दिखा? हमको तो सिमिलर ही दिखा। सिमिलर। हाँ। ओके, थैंक यू, गुड लक। कैसा रहा ब्रदर? कैसा रहा ब्रदर? ठीक ठीक। कितने अटेम्प्ट रहे टोटल? अटेम्प्ट 170-180 के करीब। अच्छा अच्छा। कोई कॉम्प्लेक्स लगा आज के पेपर में? आज का पेपर मॉडरेट था, ऑलमोस्ट मॉडरेट। हाँ। प्रीवियस ईयर कंपेयरिंग पेपर कैसा है? सेम सेम, कुछ भी बदलाव नहीं है। मैथ हल्का इजी था। इजी। केमिस्ट्री? मॉडरेट। मॉडरेट। फिजिक्स? इजी। इजी। आने वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ बोलोगे? बस पढ़ना है और क्या। ओके, गुड लक। थैंक यू। तरीके से आज जो पेपर हुआ जेई मेंस का फर्स्ट शिफ्ट का, उसका रिव्यू दिया कैंडिडेट्स ने। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पटना लाइट। मेक श्योर हमारे चैनल को सब जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि आगे जो भी अपडेट होगा जेई मेंस रिलेटेड हम आपको तुरंत देंगे। थैंक यू।